हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू इनकल्केट लर्निंग. तो हमारी जो हायर एजुकेशन डेवलपमेंट की पूरी सीरीज सी चल रही है, जब हम क्रोनोलॉजी में सारे रिपोर्ट कमीशन उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसी सीरीज़ में हम बात करते हैं सापरू कमेटी की, जो कि 1934 में जो है अपॉइंट की गई थी. कोई भी कमेटी, कमीशन, पॉलिसी अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं और हमें याद रखनी है उसकी रिकमेंडेशंस या उसने क्या कहा था, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप उसके आसपास के सिनेरियो को जानें, उसके आसपास की स्टोरी के बारे में आपको पता हो. क्योंकि रिकमेंडेशंस को रटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपको उसके आसपास की कहानी पता है कि किस सिचुएशन में वो जो है अपॉइंट की गई थी या किस सिचुएशन में वो रिकमेंडेशंस दी गई थी, तो इट्स ईजी टू लर्न दैम. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सापरू कमेटी की. और इसीलिए जो है कि आपको सिनेरियो के बारे में पता हो और आप कन्फ्यूज ना करें किसी दो कमीशन की रिकमेंडेशन के बीच में या दो कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के बीच में, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक्स की वीडियो सिंगल सिंगल बनाई है. नहीं तो हम सापरू कमेटी, 1934, अबाउट वुड रिपोर्ट 1937, वारदा स्कीम, इन चीज़ों को मिक्स करके भी जो है हम एक वीडियो बना के पढ़ सकते हैं. लेकिन ये अलग अलग वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपको उसके आसपास के सिनेरियो का पता हो और आपको सिर्फ वीडियो देखते ही वो सिचुएशन याद हो जाए. तो हम बात करते हैं सापरू कमेटी 1934 की. सापरू का जो पूरा नाम है, अगर मैं बात करूँ तो तेज बहादुर सापरू जो है इनका पूरा नाम है. लिबरल पार्टी के ये लीडर थे और जो है ये बहुत प्रोमिनेंट इंडियन जो है फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये. और उस टाइम पे जो है ये लॉयर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे. तो जब ये लॉयर और पॉलिटिशियन दोनों हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने मीडियोकर की भूमिका ज़रूर निभाई होगी. तो उसी के एग्जांपल्स जो है हम याद रख सकते हैं कि 1928 में नेहरू ने जब रिपोर्ट दी थी, नेहरू रिपोर्ट करके जो डॉक्यूमेंट आया था उसको भी बनाने में जो है सापरू जी ने हेल्प की थी. उसके बाद जब गांधी जी और डॉक्टर अम्बेड बी आर अम्बेडकर के बीच में अनटचेबल्स की सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके जो मुद्दा और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें भी इन्होंने बीच में मीडिएट किया था और पूना पैक्ट जो है वो साइन करवाया था दोनों से. लेकिन अगर हम बात करें सापरू कमेटी 1934 की, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड बनी थी ये कमेटी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे और उन्होंने जो है यूनाइटेड प्रोविंस में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सर्व किया था. इसीलिए उनको जो है यूनाइटेड प्रोविंस में जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है उसका क्या रीज़न है, ये जो नीड थी, ये जो रीज़न था, इस वजह से जो है सापरू कमेटी को बिठाया गया था कि आप जो है यूनाइटेड प्रोविंस में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसका कारण देख के बताइए. तो इन्होंने क्या कारण बताया था कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन और डिग्री तक सीमित हो गई है. यानी कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए और डिग्री हासिल करने के लिए. इसके अलावा कि लाइफ में जो है एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए, एवोकेशन इन द लाइफ ऑफ एजुकेशन क्या रोल होगा, हमें कैसे एक एजुकेटेड इंसान जो है वो कैसे लाइफ को आगे मूव अहेड करेगा, वो चीज़ें जो हैं उनको फोकस में रखने की बजाय एग्जाम और डिग्रीज पे फोकस हो गया है, ये इन्होंने रीज़न दिया था. सबसे मेन याद रखने वाली बात ये है कि 1944 में जो है इन्हीं के अंडर एक रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स ऑफ सापरू कमेटी. इसके साथ हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि इसमें गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी. दूसरी जो है इसमें इन्होंने ये जो रिपोर्ट थी इसमें मेंशन किया गया था कि इन सापरू, ये वाली जो सापरू कमेटी बनी थी इसमें इन्होंने बोला था कि पार्टीशन जो है वो नहीं होना चाहिए. तो 1944 में जो रिपोर्ट आई थी और 1934 में जो रिपोर्ट थी ये दोनों अलग अलग हैं, ये चीज़ में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहिए. बाकी सापरू कमेटी 1934 से रिलेटेड हमें ये दो चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं कि उसका क्यों अपॉइंट की गई थी, कि वो कॉज बताए यूनाइटेड प्रोविंस में. यूनाइटेड प्रोविंस जो है अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लार्ज पार्ट ऑफ यूपी जो है हम मान सकते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस था, क्योंकि उसके बाद जब स्टेट्स डिवाइड होने लग गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यूनाइटेड प्रोविंस का मेजर पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में आ गया था. तो इसलिए ये था सापरू कमेटी 1934 के बारे में, तेज बहादुर सापरू के बारे में. अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकल्केट लर्निंग को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.